हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वेंशी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर द बेस। बेस क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो जो ये आज का टॉपिक है, इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट वन कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बिलो द बेस, एंड द सेकेंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर अबव द बेस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन नमस्कार दोस्तों, मैं विंसी फ्रॉम मिसेस कॉलर यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी मैथमेटिकल ट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपके पास भी अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप चुटकियों में उस प्रश्न को सॉल्व कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 91 into 92। आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आपकी संख्या है वो काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर हम इसको बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा टाइम भी आपका चला जाएगा और काफ़ी पेज भी खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई कितनी आसान तरीके से हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 91 रख लिया इस तरह से, फिर एक 92 यहाँ पर रख लिया। ये जो आपका संख्या है ये सब कौन सी बेस के पास में है, 100 बेस के पास में है। तो ये जो आपका संख्या है ये आपकी 100 से कितनी कम है, 91 कितनी कम है, 9 कम है। अगर कम है तो माइनस साइन लगाएंगे, और अगर बेस से ज़्यादा होगी तो प्लस साइन लगाएंगे। ये 92 है, 92 कितनी कम है, 8 कम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक हमने एक लाइन खींच ली, दो लाइन इस तरह से खींच ली, एक खड़ी लाइन खींच ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करेंगे, एक एरो आप इस तरह से लगा दो, एक एरो आप इस तरह से लगा दो। अभी 91 में से क्या करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 91 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया और 92 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया। 91 में से 8 गया आपका 83, यहाँ पर भी 83। तो 83 जो आया है वो आप यहाँ रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। बाकी जो आपकी कमी है 100 से, पहली वाली संख्या की जो कमी है 100 से दूसरी संख्या की जो कमी है, उन दोनों कमियों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, ये आप रख देंगे राइट हैंड साइड पे। तो फाइनल आंसर क्या आपका आ गया, 8 3 70। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पर कितनी आसान तरीके से हमने इतनी बड़ी संख्या को फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये पेन यूज किया है, ये पेपर यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, पर आप बिना पेन और पेपर के भी मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, ये 100 है बेस। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। इसको लिख लिया इस तरह से, मन में ही सोच लिया है। बेस 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है, 8 9 72। ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड साइड में आंसर में आंसर फाइनल आंसर के राइट हैंड साइड पर आएगा वो तो 72 आना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या देखना है कि जो पहली संख्या है उस पहली संख्या में से दूसरी संख्या की कमी को घटाना है। फिर क्या करना है, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या में से पहली संख्या की कमी को घटाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों ही एक ही आंसर आने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 83 आ गया यहाँ पे, तो दोनों को क्या करा, साथ में रख लिया, आंसर ले गया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जिसमें क्या है कि तीन संख्याएं हैं। ठीक है, एक मान ली 994 और दूसरी मान ली है 992। अभी क्या करेंगे, 994 क्या है, बेस के कौन सी बेस के पास में है, 1000 के पास में है। तो 994 कितना कम है बेस से, 6 कम है, और 992 कितना कम है बेस से, 8 कम है। ठीक है, इस तरह से लाइन खींची, एक वर्टिकल लाइन खींच ली, क्या किया इस तरह से एरो लगा लिया आपने। ठीक है, 8 6 48, जो कमियां हैं आपकी बेस से, जो कमी है वो क्या करी, मल्टीप्लाई करी। बाकी क्या करना है, 994 पहली संख्या में से दूसरी संख्या की एक कमी को घटाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या की कमी को घटाना है। तो 994 में से एक गया 986, यहाँ पे भी क्या आया 986। एक बात ध्यान देनी है फ्रेंड्स आपको कि दोनों ही एक ही आने चाहिए। ठीक है, तो मन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मन में ही सोच लीजिए, 994 है वो आपका 1000 से कितना कम है, 6 कम है,
992 आपका 1000 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 × 48। ठीक है फ्रेंड्स, पर यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी बेस है उस बेस के जितने जीरो, उस बेस में जितने जीरो होंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी जो आपकी संख्या आ रही है उसमें उतने ही अंक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 48 आया है, ठीक है, और बेस में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 जीरो आप यहाँ लगा लेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 986048। ठीक है, मन में क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 × 48 हो गया, फिर क्या करना है, 92, 100 से कितना कम है ये, 8 कम है, तो 994 में से 8 कम कर लिया, और फिर जो 994 है वो 1000 से कितना कम है, 6 कम है, 992 में से 6 घटा दिया, तो दोनों एक ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 986 आपका लेफ्ट हैंड साइड पर रख देंगे और ये राइट हैंड साइड का हो गया आपका, और फाइनल आंसर क्या हो गया, दोनों को मिला के हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, कोई हमने मान ली ऐसी संख्या जिसमें की 4 अंक है, 9989, और ले लिया है 9996, किसके पास में है, किस बेस के पास में है, 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9989 कितना कम है 10,000 से, 11। ठीक है, माइनस साइन लगा लिया, और जो आपका 9996 है वो कितना कम है, 10,000 से 4 कम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करा, जो कमी है कमी को तो मल्टीप्लाई किया 11 × 44। ठीक है, और जो यहाँ से आपकी जो पहली संख्या है उस पहली संख्या में से दूसरी संख्या की कमी को घटाना है, यानी कि 9989 माइनस 4, और जो दूसरी संख्या है उस दूसरी संख्या में से पहली संख्या की कमी को घटाना है, तो यानी कि 9996 माइनस 11 कितना आ गया फ्रेंड्स, ये 9985, और दूसरा क्या आ गया, 9985। आप देख रहे हैं दोनों में एक ही आएगा आंसर, 9985। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। फ्रेंड्स, जो राइट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है उसमें आपको ये देखना है कि बेस में जितने जीरो होंगे राइट हैंड साइड की संख्या में भी उतने ही अंक होने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर 00 लगा दिया, तो फाइनल आंसर कितना हो गया इसमें, 9985004। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़ी संख्या को मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, 99, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको ताकि आपको इजी लगे, 9989 है, 11 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 9996 है वो कितना कम हो गया, बेस से 4, तो क्या हो गया, 11 × 44 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बेस में कितने जीरो हैं, ये हो गया 4 जीरो हैं, यहाँ 00 लगा दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 9989 में से क्या करना है, दूसरी संख्या की कमी को घटाना है, और जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है उस दूसरी संख्या में से पहली संख्या की कमी को घटाना है। ये 11 कमी है, ये 4 कमी है। ठीक है, तो यहाँ से 4 घटाएंगे, 89 से 4 घटाएंगे, और 96 से 11 घटाएंगे। आप दोनों ही केस में क्या होगा कि सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे, दोनों को मिलाकर रखेंगे तो आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा, आपने कितनी आसान तरीके से, क्या इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत पड़ी, कोई पेपर उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं ना। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी क्या है कि अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि बेस से ज्यादा हों। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ऐसी संख्या ले रहे हैं कि जो कि दोनों ही संख्याएं क्या हैं, बेस से अबव हैं। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो कितना होगा, 100 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से करना है आपको, 104 इस तरह से लिख लिया और 106 इस तरह से लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेस में, बेस जो 100 है तो 104 बेस 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगा देंगे। और जो 106 है वो 100 बेस से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो उसको रख लेंगे इस तरह से, लाइन खींची, एक खड़ी लाइन खींच ली है। ठीक है, तो जो आपका ज्यादा है, जैसे हमने कमी के लिए किया था, तो यहाँ पर ये ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या करना है, प्लस साइन लगा देना है, और जो भी ज्यादा आ रही है, संख्या ज्यादा आ रही है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 6 × 24। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ क्या करना है, जो पहली संख्या है एरो लगाते हुए, जो पहली संख्या है, पहली संख्या में से क्या करेंगे, दूसरी संख्या के ज्यादा को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 110। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के में से जो भी ज्यादा आ रहा है वो उसको ऐड कर देंगे, तो 106 + 4 = 110। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि जो ऐड करके आ रहा है वो संख्या है 110, दोनों में एक ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली क्या हो गया, जो आंसर हो गया 11024। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कोई ऐसी संख्या है जो उसमें चार अंक है, मान लीजिए 1019 है कोई, और आपकी दूसरी है 111, पहली संख्या है 1019 और दूसरी है 1005। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सी बेस के पास में है, कौन सी बेस के पास में है, 1000 बेस के पास में है। ठीक, तो 1019 कितना ज्यादा है 1000 से, 19, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। और जो 1005 है वो 1000 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। एक एरो इस तरह से लगा लिया, दूसरा एरो इस तरह से लगा लिया, दो खड़ी लाइन बैठी हुई लाइन ले ली और एक खड़ी लाइन ले ली। तो जो आपका ज्यादा हो रहा है 1000 से, उसको तो मल्टीप्लाई करना है, 19 × 95। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ पर आपका 1019 आया है, ये जो पहली संख्या है, इस पहली संख्या में दूसरी संख्या के ज्यादा को ऐड करेंगे, और जो दूसरी संख्या है उस दूसरी संख्या को पहली संख्या के ज्यादा के साथ में ऐड करना है। मतलब कि 1019 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया 1024, और जो दूसरी संख्या है उसमें क्या ऐड करेंगे, 19 ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 1024। दोनों ही केस में सेम ही आना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बेस है, बेस में 3 0 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा उसमें भी 3 ही अंक होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक 0 लगा दिया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आप इसमें, 1024095। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मैथमेटिकल ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आप मैथ्स में प्रॉब्लम फील करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक को आप जानना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आगे भी ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी वाली लगी है फ्रेंड्स, तो इसको एक लाइक तो बनता ही है, इसके लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए